हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग मिस्ट्री। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन से अपडेट करने वाला हूं। कल के दिन कूल इंडिया लिमिटेड के एक माइंस ने इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट किया है। कल के दिन ऐसा क्या हुआ, कौन सा वो न्यूज है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले ऐसे ही छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल माइनिंग मिस्ट्री को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें। चलिए देखते हैं कल के दिन ऐसा क्या हुआ। कल के दिन कूल इंडिया लिमिटेड के एक माइंस जिसका नाम है गेवरा ओपन कास्ट माइंस, जो SECL का एक सब्सिडरी है, इस माइंस ने कल के दिन हिस्ट्री क्रिएट किया है। इस माइंस का टोटल प्रोडक्शन 50 मिलियन टन, एक सिंगल माइंस का, गेवरा ओपन कास्ट माइंस का प्रोडक्शन 50 मिलियन टन क्रॉस कर चुका है। और ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा माइंस है जो ऐसा एक रिकॉर्ड बनाया है कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एक माइंस ने 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन को पार किया है। ये क्वेश्चन आपके किसी भी सब्सिडरी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप एक नंबर लेके जा सकते हैं, ठीक है। गेवरा माइंस है पहला माइंस इंडिया का जो 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन पार कर चुका है। SECL का ये माइंस है, आप लोगों को पता होगा। देखिए SECL का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ये ट्वीट किया है, गेवरा बिकम्स द फर्स्ट माइंस टू रीच 50 मिलियन टन प्रोडक्शन मार्क, अ हिस्टोरिक डे फॉर द माइनिंग फ्रेटर्निटी एंड फॉर ऑल आवर कंट्रीमैन। ये वाकई में एक हिस्ट्री क्रिएटेड डे था कल का दिन SECL के लिए, कूल इंडिया के लिए और सारे माइनर्स के लिए। 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन एक साल में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हालांकि बहुत ही बड़ी माइंस है। प्रहलाद जोशी जो हमारे यूनियन कूल मिनिस्टर है, उन्होंने भी ट्वीट करके SECL को और गेवरा माइंस को बधाई दी है। प्रोडक्शन जो इस माइंस का है वो इस बार रिकॉर्ड तो चुका है SECL का प्रोडक्शन। वर्ष 2018-19 में इस माइंस का प्रोडक्शन जो था सबसे अधिक था 157.35 मिलियन टन, लेकिन इस साल अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पहले 12 दिन पहले ही 157.43 मिलियन टन प्रोडक्शन हो चुका है, जो SECL का अब तक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। अब चलिए हम लोग कुछ इसके बारे में देखते हैं। इस साल SECL गेवरा प्रोजेक्ट को 52 मिलियन टन का टारगेट मिला था, जिसमें अभी तक यानी 19 मार्च तक 50 मिलियन टन का अचीवमेंट हो चुका है गेवरा प्रोजेक्ट से, ठीक है। और 50 मिलियन टन क्लब में ये माइंस अब आ चुकी है कि एक साल में कोई एक सिंगल माइन से 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। ये एक हिस्टोरिक डे है इंडिया के लिए। अब और कुछ आर्टिकल देखते हैं। इस माइंस में मॉडर्न इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज होता है, जैसे कि सरफेस माइनर यूज होता है जो बिना ड्रिलिंग के क्या करता है, हम लोग को कोल काट के देता है। इसमें 42 क्यूबिक मीटर का सोवेल, 240 टन का डंपर यूज होता है ओवी रिमूवल के लिए, ओवरबर्डन रिमूवल के लिए। और बहुत सारा मशीन है, वाटर स्प्रिंकल मशीन है, फॉगिंग मशीन है, मिस्ट फॉगिंग मशीन है, वाटर स्प्रिंकलर है जो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को सप्रेस करता है। और बहुत सारा ऐसा मशीन है जिसके कारण ये जो काम है ये पॉसिबल हुआ। तो बस यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मुझे कल मिला, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हिस्टोरिक डे था कल के लिए माइनर्स के लिए, 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन एक सिंगल माइन से। तो आप इसे याद करके कहीं कॉपी में लिख लीजिए, इंडिया का सिंगल माइन्स गेवरा प्रोजेक्ट जो है SECL सब्सिडरी का एक ही माइन से जो एक साल में 50 मिलियन टन का प्रोडक्शन पार किया। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।